वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद घर आने पर ज्योति मांडलिक एवं मनोज चौहान द्वारा विशाल भंडारा संपन्न कराया गया। ज्योति मंडली का मेरा नाम, माता रानी के दरबार में हम गए, वैष्णो माता के दर्शन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और उसी के कारण मैंने भंडारा रखा, सब भाइयों को बुलाया, सब बहनों को बुलाया। चौहान जी और ज्योति मंडली जी अभी वैष्णो देवी से लौटे हैं, जिनके माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और उन्होंने जो भी मांगा है उन्हें माता रानी पूर्ण करें। वैष्णो देवी माता हम सब की पूजनीय है, हम लोग सबकी श्रद्धा है वहाँ पे। जय माता दी। संपन्न हुआ हमारी जनजन की लाडली ज्योति मांडली, जिन्होंने पिछली बार पार्षद का चुनाव भी लड़ा था, किन्हीं कारणों से धोखेबाजी करके धोखा देके इनको हलवा दिया गया है और ये सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। माता रानी के लिए हर साल वैष्णो देवी जाती हैं और वहाँ से आके संपूर्ण विशाल भंडारा करवाती हैं और हम सभी लोग भाई लोग उनकी इस सेवा से इतने प्रभावित है कि सारे काम छोड़कर हम माता रानी के उसमें लग जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि माँ जगत जननी हमारी ज्योति मंडली की जो भी इच्छाएं वो पूर्ण करें और हमारे केपी सिंह साहब जो नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं राजनीतिक, हम उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और माता रानी बढ़ चढ़ कर झोली भर के इनको आशीर्वाद दें। जय माता। वैष्णो देवी साहब लौटे और आपने विशाल भंडारा आयोजित किया है। विशाल भंडारा तो माता रानी की कृपा से हो रहा है, ज्योति मंडली की लगन है, वो पिछले कई वर्षों से जा रही है और पहले भी भंडारा होते रहा है। इस बार भी छोटा सा प्रयास किया, सभी लोग आए, बरसन घर के तमाम वरिष्ठ लोग भी पढ़ा रहे हैं, आम जनता भी माता की भक्ति में सपोर्ट करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है और ऐसे ही माता रानी कृपा करे, हमेशा देव बुलाते रहे हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे मोहल्ले और पूरे भोपाल और प्रदेश के लिए सुख शांति हो, अमन हो। और भाई केपी सिंह जी अपना राजनीतिक क्षेत्र में नया कदम बढ़ाना चाहते हैं, माता रानी उनको भरपूर झोली भर के आशीर्वाद दे, हमें ऐसा नेतृत्व भी मिले ऐसी माता से प्राप्त।